है वो राजकुमार जिसकी मजबूत बाहें जिंदगी भर तुम्हारी हिफाजत करेंगी। अरे जिंदगी भर तो दूर, ये तो एक रात भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। तुम जैसी लड़कियां जिन्हें दूसरों की इज्जत की परवाह नहीं, उनकी इज्जत का रखवाला ऐसा ही होगा। तुम क्या मेरी मोहब्बत को ठुकराओगी? मेरी मोहब्बत तो दूर, तुम तो मेरी नफरत के लायक भी नहीं। रमा, 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 कल रात जो कुछ हुआ, दरअसल मैं होश में नहीं था रमा। अपने दोस्तों की बदसलूकी के लिए मैं माफी चाहता हूँ रमा। बदसलूकी? मेरा तो ख्याल था कि ये तुम्हारे खानदान की कोई महान परंपरा होगी कि दुल्हन को पहले दूल्हे के दोस्तों की रखेल बनना पड़ता है। रमा, चिल्ला मत। तुम जैसे कमजोर आदमी अपनी कमजोरी का एहसास दिलाने पर आवाज उठाने के अलावा और कर भी क्या सकते हो? तुम हद से आगे बढ़ रही हो रमा। ये मत भूलो कि तुम मेरी मंगेतर हो। मंगेतर? और तुम्हारी? अगर मेरे ताऊजी को पता चल गया कि भवानीपुर की शान ने किशनगढ़ की जान के साथ क्या सलूक किया है तो खून की नदियां बह जाएंगी। वो भवानीपुर के साथ साथ तुम्हें भी मिट्टी में मिला देंगे। मैं तो पहले से ही जानता था जिसका संबंध राजघराने से हो, उठना बैठना हो, ऐसे घर में हमारी बेटी अगर बहू बनकर जाएगी तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। जरूर जरूर। लालाजी, आपका बेटा लाखों में एक है, लाखों में एक। और चाल चलन के तो क्या कहने, आपका बेटा गुणों की तिजोरी है, तिजोरी। तिजोरी तो है ही, इसलिए तो मैंने उसका नाम रुपया रखा है, रुपया। लेकिन एक समस्या है। समस्या? हाँ, देखो भाई, भगवान ने मुझे हीरे जैसा बेटा दिया है, अब इस दुनिया में मुझे कुछ ही नहीं चाहिए। वो क्या कहते हैं उसे, वो दहेज, दहेज, उससे तो मुझे सख्त नफरत है, घृणा है। मुझे दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे हीरे जैसे बेटे को हीरो से, नहीं तो कम से कम सोने से तो तोली दीजिए। सोने से? हाँ, क्यों? अच्छा, सोना नहीं, कम से कम चांदी से तो तोली दीजिए। चांदी से? अरे चांदी भी नहीं, फिर रुपयों से तोल दीजिए। जी, रुपयों से? अरे क्या फटीचर लोग हैं, माल नहीं घर में और मेरे बेटे से शादी करने निकले। चलो निकलो यहाँ से, पकड़ो अपना रास्ता। ऐसे फकीराना घर में मेरा बेटा क्या जवाई बनकर जाएगा? ऐसे थोड़े ही मैंने उसका नाम रखा है रुपया। क्या सोच रही हो? जो बचपन से आज तक अनाथ हो और आज उसे माँ मिल जाए, डरती हूँ शायद माँ ने मुझे ना पसंद कर दिया तो। मुझे मेरे प्यार पर और मेरी माँ को मेरे विश्वास पर पूरा भरोसा है। ये जगह काफी खूबसूरत है, हमें पसंद है। जिसकी भी हो उसे कह दो ये जमीन हमने खरीद ली। पटवारी, वो गाड़ी जो वहाँ खड़ी है बहुत खूबसूरत है, हमें पसंद है। जिसकी भी हो उसे कह दो हमने खरीद ली। ये गाड़ी हमारी है और ये जमीन मेरी है, जो बिकाऊ नहीं। तुम हमारी ताकत को आजमा रहे हो, हमें छीनना भी आता है। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किससे क्या छीनता है।
इतनी जल्दी डर गई तो उम्र भर निभाओगी कैसे? प्यार तो कर बैठी लेकिन इसका अंजाम क्या होगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हो सकता है मैं ये प्यार निभा ना सकूं। निभा नहीं सकती तो ये रिश्ता जोड़ क्यों रही हो? खिलवाड़ करने के लिए, वादा करके तोड़ जाने के लिए? तुम्हारे प्यार की गहराई को आजमा रही थी, देखना चाहती थी कि कल अगर हालात के सामने मेरे कदम डगमगाए तो क्या तुम मेरी मोहब्बत को गिरने दोगे, क्या संभालोगे? तो आजमा चुकी। अजय, तुम्हारे प्यार का जुनून अब मेरी मोहब्बत का इम्तिहान बन चुका है। आई लव यू अजय। ज्यादा हमारी हुकूमत का अपमान करके कालिख पोत किया हमारे मुंह पर और आप कहते हैं कि सब्र करो, क्यों भाई साहब? इसका जवाब तो हम देंगे और अपने ढंग से देंगे।